Hello viewer, does Google really track you to spy? Google is not an spying agency. They therefore do not spying of any kind. कोई spying agency थोड़ी ना है Google की आपको spy करेगा. Any information they collect on you is for marketing purpose. और जो भी information वो collect करता है वो marketing purpose के लिए करता है and it's completely in the user control. और वो आपके totally आपके control में होता है. और जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं अपने मन से उसको देते हैं. इज गूगल लिसनिंग टू मी थ्रू माय फोन? क्या गूगल मेरे फोन के थ्रू सुनता है? ऐसा कहा जाता है कि जो भी ऐप आप यूज करते हैं उसमें माइक्रोफोन को वो अलाउ करने को बोलता है, तो ही वो आपसे कुछ कमांड ले पाता है, चाहे वो जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे कोई भी हो, सभी में यही माइक्रोफोन को अलाउ करने की परमिशन मांगता है. और गूगल भी वही करता है, तभी आपके कमांड्स को लेता है और आपको प्रॉपर सर्विस दे पाता है. सो व्हेन यूजिंग मेनी ऑफ गूगल स्मार्टफोन एप्स विद अ माइक्रोफोन फॉर वॉइस सर्च और इवन गूगल ऑन द डेस्कटॉप विद अ वॉइस कमांड, इट कैन एक्चुअली रिकॉर्ड एवरी वर्ड यू से टू इट, वेदर यू यूज द वेट वर्ड और नॉट. तो वो अगर आपका माइक्रोफोन अलाउड ही नहीं करवाएगा तो आप इसे कैसे कमांड लेगा. डज गूगल स्पाई ऑन गूगल ड्राइव? अरे गूगल ड्राइव में भी वो स्पाई करता है. शॉर्ट आंसर, इट डज नॉट लुक एट द कंटेंट ऑफ द गूगल ड्राइव एट ऑल. चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो गूगल ड्राइव के कंटेंट को नहीं देखता. देयर इज नो मॉनिटरिंग ऑन आर, उस पर कोई मॉनिटरिंग करता है. डज गूगल स्पाई ऑन योर जीमेल? बिजनेस इंसाइडर वॉन्डर इफ गूगल माइट बी स्कैनिंग अ जीमेल इनबॉक्स. हाँ, जीमेल के वो इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है, लुकिंग फॉर अ कंफर्मेशन ईमेल फ्रॉम वेरियस सोशल नेटवर्क. और जो जिन सोशल नेटवर्क से आप कंफर्मेशन ईमेल भेजते हैं वो उसको देखता है. इन अदर वर्ड, गूगल इज टेकिंग इंटीमेट पर्सनल डेटा इन योर जीमेल अकाउंट, यूजिंग इट टू स्पाई मोर इफेक्टिवली ऑन यू. तो वो सारे डेटा को स्पाई करता है और अपने गेन के लिए उसको यूज भी करता है, जिससे कि उसका कुछ गेन हो सके. डज गूगल रियली ट्रैक यू? गूगल मैप इज पर्टिकुलर कीप ट्रैक ऑफ एवरी स्टेप यू टेक एंड आर्काइव दैट एक्टिविटी इन योर गूगल. आपके स्मार्टफोन होने की वजह से वो आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है. आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ आपका लोकेशन है, वो सारा कुछ आपके गूगल टाइमलाइन से फाइंड आउट कर लेता है. इट्स माइट सीम्स लाइक अ वॉक डाउन मेमोरी लेन, बट इट कैन ऑल्सो लीव द डोर टू योर प्राइवेसी वाइड ओपन. ठीक है, वो आपकी मेमोरी में आपके प्राइवेसी को बता देता है क्योंकि वो ट्रैकिंग करता है आपकी टाइमलाइन को. मैप कैन शो यू वेयर यू आर गोइंग एंड वेयर यू आर बीइंग. आप कभी मैप को अगर आपने देखा हो तो वो बता देता है कि आपकी क्या लोकेशन है और कहाँ कहाँ आप गए. वो सारा कुछ गूगल मैप पे आप देख सकते हैं. डज गूगल लिसन टू मी फॉर एड्स? क्या एड्स के लिए भी गूगल सुनता है? कंपनीज डिनाई फोन्स आर लिसनिंग टू यू टू जनरेट एडवर्ड. Google's and Facebook have both denied that their apps can use a smartphone microphone to gather information in this way. Facebook told the BBC that it's blocked brand from advertising based on a microphone data. और BBC ने तो advertising data को microphone की वजह से, phone की वजह से block भी किया है. लेकिन Google और Facebook इस बात को deny करते हैं कि वो आप microphone की वजह से आपके इंफॉर्मेशन को गलत ढंग से यूज करते हैं. Does Google spy on photo? क्या फोटो पे भी स्पाई करता है? Google Photo uses Google's machine learning technology to analyze the content of your photo and organize them into easily searchable group. वो फोटो को इसलिए सर्च करता है, देखता है कि वो उसको मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज करके प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइज कर सके, जिससे आप फोटो को इजीली सर्च कर सके. वो फेशियल रिकग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन एंड जियो टैगिंग, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज योर पिक्चर. ये तीनों फैसिलिटीज होती है आपकी पिक्चर को ऑर्गेनाइज करती है इनटू पीपल, प्लेसेस एंड थिंग. कहाँ कहाँ पे आदमियों के बीच में, जगह पे और थिंग्स पे, तो आप उस पिक्चर को इजिली जल्दी देख पाते हैं. कैन गूगल ट्रैक मी इफ आई यूज अ वीपीएन? If you surf the internet while connected to your Google account, it can trace your online activities back to you. Since a VPN changes your virtual location, it might look like you're accessing the website from a different region, but Google will still able to determine it's you. आप जानते होंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता, उसकी सिक्योरिटी को लॉस नहीं कर सकता, लेकिन गूगल जो होता है आपको ट्रेस कर लेता है और आपकी लोकेशन को जान जाता है और आपने कौन कौन सी वेबसाइट देखी डिफरेंट रीजन से वो जान जाता है, तो वो उसको डिटरमाइन कर लेता है. कैन गूगल ट्रैक यू विद अ लोकेशन ऑफ? गूगल ट्रैक योर लोकेशन इवन व्हेन यू टेल इट नॉट. द सर्च इंजन में कंटिन्यू टू ट्रैक योर एवरी मूव When you turn off location history. आप location history ऑफ भी कर दीजिए तब भी वो आपको locate कर लेगा. A setting on Android phones and within apps like Google Maps on the other device that control the company access to your location information. चाहे आप history को off करिए location को या ना करिए वो आपको locate कर ले. So please if you like this video, run, share and subscribe my YouTube channel. Ratan Agarwal, IT Informer. Follow my all social media link given in the description and please share and subscribe. आप लोग and comment on my video and what do you want next? Please tell me. Thank you.